धर्म और दर्शन में, दर्शन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। जो दृष्टि है वो मार्ग के अंग हैं, वह धर्म के अंग भी बनते हैं। तो फिर उसके बाद रखा है परंपरा। परंपरा का शब्द विदेशी भाषाओं में ट्रेडिशन कहलाते हैं। तो ये बहुत साधारणता हमारे सारे बातचीत में परंपरा के शब्द उपयोग होते हैं, लेकिन परंपरा के अर्थ क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो परंपरा और रीति रिवाज एक ही जैसा माने, तो रीति रिवाज में बहुत सा कुरीति और अकुश रिवाज होते हैं। तो इसलिए परंपरा केवल रीति रिवाज को नहीं कहते हैं, परंपरा का अपने अर्थ मन समझना चाहिए। अगर कोई चीज परंपरा से आते हैं तो उसको सुधारने की या उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। रीति रिवाज और आदत उसमें बहुत सी जैसा है जो अकुशल होते हैं, जिनको परिवर्तन करने की और छोड़ने की आवश्यकता भी पड़ते हैं। ऐसा परंपरा की परिभाषा बहुत से विद्वान लोगों ने अपने अपने दृष्टि से किया है। मुझे सबसे अच्छा लगा श्रीलंका की महाविद्वान कुमार स्वामी। वो पहले अकोलॉजिस्ट थे, बाद में दार्शनिक बने और बहुत धर्म का बहुत सेवा किए हैं। तो उन्होंने परंपरा को अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। वो सब परिभाषा अन्य परिभाषाओं से सटीक और तार्किक अनुकूल, न्याय अनुकूल मुझे लगता है। तो उनका कहना है कि एक प्रमाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स, डिवाइन शब्द जो है वो थोड़ा इधर उधर जा सकता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं प्रमाणिक सोर्स। भगवान बुद्ध को परमा पुरुष माना गया है। सो प्रमाणिक रिसोर्सेस से, प्रमाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो। और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उस प्रमाणिक पुरुष से अपने गुरु तक अभिचिन्न मौखिक प्रदत्त संप्रदाय, संप्रदाय की परंपरा जैसा ही है, एक दूसरे को ओरल ट्रांसमिशन जो अंग्रेजी में कहते हैं, ओरल ट्रांसमिशन के माध्यम से, जैसा हम आज जो उपसंपदा की दीक्षा लेता है, तो भगवान बुद्ध से लेकर के अपने उपाध्याय तक वो सब नाम गिनते हैं कैसे कैसे वो। उसी तरह से जो कुछ उपदेश हो वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को संप्रदाय करके आए हुए हो, अनब्रोकन लीनेज जो अंग्रेज में कहा गया है। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, तार्किक दृष्टि से स्थापित किया जा सकते हैं, जा सकें, वेरीफाइबल फ्रॉम रीजन एंड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी और रीजन के माध्यम से उसको सत्यापित किया जा सके, सत्य सिद्ध किया जा सके। ये तीन चीज जिसमें हो उसको परंपरा कहते हैं। बहुत दिनों से चले आ रहे रीति रिवाज
जरूर नहीं है कि वो परंपरा हो जाए। कुमार स्वामी का अपना शब्द है, लॉन्ग टाइम परपेचुएटेड हैबिट्स एंड सिस्टम्स डज नॉट नेसेसरीली मेक एन ट्रेडिशन। जब मैं ट्रेडिशन कहता हूं तो उसकी दूसरे पक्ष में आधुनिकता, मॉडर्निटी। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, परंपरा और आधुनिकता, ये दोनों के जो संघर्ष हैं, जिसमें आज संपूर्ण मानव पीस रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो इसलिए हमको परंपरा को भी जानना चाहिए और आधुनिकता को भी जानना चाहिए। जब तक आधुनिकता को ठीक से नहीं जानेंगे तो परंपरा की महत्व नहीं समझ पाएगा। तो इतने दिन शब्दों से मैं समझता हूं बौद्ध धर्म दर्शन परंपरा, इसका एक सांकेतिक व्याख्यान हो गया। अब भगवान बुद्ध के माध्यम से उपदेशित उनके धर्म और दर्शन की परंपरा जो अभी प्रचलित हैं, बौद्ध धर्म दर्शन की परंपरा जीवित हैं, प्रचलित हैं, ये हम ठीक से समझ सकते हैं, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। परंपरा में कोई बीच में त्रुटि नहीं है, अब विच्छिन्न लीनेज आए हुए हैं।